भाजपा की सत्ता आते ही गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलने लग गए हैं। एक ओर जहां भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह किसान और गरीब के हित में दिन रात काम करने की बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास देकर गरीबों को पक्का मकान दिया जा रहा है, लेकिन नगर परिषद घुवारा में कुछ उल्टा ही नजर आ रहा है। सुबह करीब 11 बजे तहसीलदार घुवारा सुनील वर्मा के नेतृत्व में पुलिस अमला और नगर परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इनमें बड़े भूमाफियाओं पर शिकंजा कसना था, लेकिन बड़े भूमाफिया तो बच गए और गरीबों के प्रधानमंत्री आवास तोड़ दिए गए। आपको बता दें कि राजस्व विभाग के द्वारा अतिक्रमण दूसरी जगहों से हटना था, लेकिन किसी कारण वहां का अतिक्रमण न हटाकर गरीबों के सरये कार्रवाई मर दी गई है। वहीं नगर परिषद कार्यालय द्वारा पहले उक्त आवास को स्वीकृति दे दी गई और उसके बाद गिरा दिया गया। अगर आवास अतिक्रमण क्षेत्र में था तो उसकी अनुमति शासन द्वारा कैसे दी गई और गिराकर शासन की राशि का दुरुपयोग क्यों किया गया, इस पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। तहसीलदार, एसडीएम, पुलिस अधिकारी सब लोग आए थे यहाँ गिराने के लिए। क्यों गिरा दिया है? जाने क्यों गिरा दिया, हम लोग आवास योजना बन रही थी, आवास योजना के अंतर्गत कुटी बना रहे थे हम लोग जी। तहसीलदार, पुलिस और नगर पालिका पूरा डिपार्ट आया, उन्होंने गिरा दिया, हम कुछ अच्छे बच गए, दे भगे जवाब बचे साहब। शासन स्तर से ही शासकीय भूमि का जो नवीन निर्माण कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं, अवैध कब्जा कर रहे हैं, इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश प्राप्त हुए हैं और शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो नवीन निर्माण कर रहे हैं और नवीन कॉलोनी बना रहे हैं या अवैध रूप से कब्जा करके विक्रय कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें हमने विधिवत नोटिस जारी करके बेदखली ऑर्डर पारित किए हैं। उसके बाद आज लगभग 10 से 12 जगह अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई है, जिसमें जो निर्माण कार्य किए गए थे नवीन, उनके विरुद्ध कार्रवाई।